हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में तो 18 सितंबर 2024 को NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट भी जो है रहने वाली है। परीक्षा नहीं होगी, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन रहेगा। आवेदन शुल्क भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर सैलरी जो है एक पोस्ट में 35,000 पर मंथ है, वहीं दूसरी पोस्ट में 50,000 पर मंथ है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं, आवेदन आप यहाँ कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। नोटिफिकेशन आप कैसे चेक करेंगे, कैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जो है हम विज्ञापन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्या कही गई है। 18 सितंबर 2024 का ये विज्ञापन है। पोस्ट का नाम कंप्यूटर प्रोग्रामर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी है। केवल इंटरव्यू है 7 अक्टूबर 2024 को। और यहाँ एड्रेस है कमरा नंबर 508 PMD जाकिर हुसैन ब्लॉक NCERT न्यू दिल्ली। 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। पंजीकरण की समाप्ति के बाद किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू में आने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, इंटरव्यू सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेट टाइम पता लग गई है। पद का नाम, सबसे पहले पद का नाम जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री या प्रौद्योगिकी MTech वाले अप्लाई करेंगे। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 2 साल का इसमें अनुभव भी मांगा गया है। या फिर इंजीनियरिंग स्नातक BE या BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में स्नातक डिग्री है, या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री है, या इसके कोई समकक्ष कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 साल का अनुभव जो है, अगर आपके पास ये डिग्री है तो 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। आयु सीमा इसमें 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 50,000 पर मंथ जो है सैलरी रहेगी और इसमें अवधि जो है 31 मार्च 2025 तक रहने वाली है। उसके बाद देखें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, एक ही वैकेंसी है। इसमें भी 7 अक्टूबर 2024 को इंटरव्यू रहेगा। आपने किसी भी विषय से 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री किया हुआ है या इसके समकक्ष योग्यता, तो जनरल के लिए 55% मार्क्स और SC ST PH के लिए 50% मार्क्स। ठीक है, वांछनीय अर्हता जो है ये नहीं भी है तो कोई बात नहीं, केवल मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक ना हो। भारत सरकार के मानदंड के अनुसार छूट रहने वाली है, जैसे SC ST के जो है 5 साल की छूट रहती है, PWD को 10 साल की छूट रहती है। अवधि भी इसमें 31 मार्च 2025 तक की है। जिन कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री के साथ नेट या PhD क्लियर किया हुआ है तो उनकी सैलरी रहेगी 37,000 पर मंथ। जिन्होंने केवल मास्टर डिग्री किया है, नॉन नेट वाले, 35,000 पर मंथ तो सैलरी रहेगी। ठीक है, तो विदाउट नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया है, केवल मास्टर डिग्री। नीचे जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपको अच्छे से फिल कर लेना है। और इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे उस दिन 7 अक्टूबर को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनकी एक फ़ोटोकॉपी सभी की लेकर जाएंगे। उम्मीदवार को बायोडाटा के साथ में अपने मूल प्रमाण पत्र, अन्य सहायक दस्तावेज लाने होंगे, उसी की एक प्रति साक्षात्कार के समय प्रदान करनी होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने, उनकी एक एक फ़ोटोकॉपी जो है वह भी आप लोग लेके जाएंगे। पूरा जो है आवेदन प्रमाण पत्र भी आपको फिल कर लेना है और उसी वक्त जो है उसे आप लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जैसे ही आते हैं तो वैकेंसी अनाउंसमेंट में वैकेंसी सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है नोटिफिकेशन देखने के लिए। प्रोजेक्ट स्टाफ में वैकेंसी है, सबसे फर्स्ट में ही है, रिक्रूटमेंट ऑफ 1 कंप्यूटर प्रोग्राम एंड 1 जूनियर प्रोजेक्ट फेलो इन PMD NCERT। इंग्लिश और हिंदी दोनों में विज्ञापन है, बस इस पर क्लिक कर लेना है और एप्लीकेशन फॉर्म भी इसी में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन दोबारा से फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को वीडियो में बता ही दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। इसमें जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है। थैंक यू।